हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है संडे और आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल के वन लाइनर करंट अफेयर्स की। फ्रेंड्स, जनवरी टू मार्च हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जिन्होंने देख लिया है तो गाइस रिविज़न करते रहिएगा और फोकस करिएगा सिर्फ रिविज़न पर। रिविज़न ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश ने रिसेंटली WHO के लिए अपनी फंडिंग रोकने का फैसला लिया है? और ये लिया है USA ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने COVID-19 से लड़ने के लिए 5T योजना का खुलासा किया? और 5T का किया है माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। करेक्ट आंसर होगा दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, किस संगठन ने जीवन नाम के एक कम लागत वाले वेंटिलेटर को डेवलप किया है? इंडियन रेलवेज ने किया है ये वेंटिलेटर और जिसका नाम है जीवन। फ्रेंड्स, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने फिनेंशियल ईयर 2019-20 में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज में टॉप रैंक हासिल की है? और ये किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। कोबी ब्रायंट को आफ्टर डेथ नाई स्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में इंडल्ज किया गया है और ये किससे रिलेटेड थे? बास्केटबॉल से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, इसका हिंदी और इंग्लिश में PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं रिदम लॉ। फ्रेंड्स, कल टेस्ट भी कंडक्ट हो रहा है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल GS का टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने प्राण वायु नाम के एक कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को डेवलप किया है? और ये किया है IIT रुड़की ने। फ्रेंड्स, डिफरेंस याद रखिएगा, जीवन को डेवलप किया है इंडियन रेलवेज ने और प्राण वायु पोर्टेबल वेंटिलेटर IIT रुड़की। नेक्स्ट है, IAS तथा IPS अधिकारियों के संघों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करुणा नाम का अभियान स्टार्ट किया है। करुणा CARUNA। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, RBI द्वारा नई अधिसूचना के अनुसार सभी निजी और विदेशी बैंकों को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अग्रिम नियुक्ति मतलब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में सूचित करना होगा 6 महीने पहले। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र UN के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और COP26 कहाँ होने वाला था? ग्लासगो में होने वाला था। नेक्स्ट है, कौन सी राजकुमारी है COVID-19 से मरने वाली पहली शाही व्यक्ति हैं? और ये हैं स्पेन की मारिया टेरेसा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है ये भी। नेक्स्ट है, रिसेंटली भारत सरकार अपनी मौजूदा विदेश व्यापार नीति जो 2015 से 20 तक की थी उसे बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दिया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी के दुकानदारों के लिए COVID-19 बीमा उत्पादों को लॉन्च करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप की है? भारत पे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली दूसरी असाधारण G20 फिनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की मीटिंग कंप्लीट हुई है और ये किसकी अध्यक्षता में हुई है? सऊदी अरेबिया। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए, जितनी भी G20 के 2020 की मीटिंग्स हुई हैं, ये मिनिस्टर्स की हो या किसी की भी, वो सभी सऊदी अरेबिया ने प्रेजाइड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मददगार हेल्पलाइन रिसेंटली काफ़ी खबरों में था और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में चिरा ओबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है? और ये किया है मणिपुर ने। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। एंड गाइज, लाइक करके ज़रूर जाइएगा, इससे आपका फीडबैक पता चल जाता है। एंड गाइज, कॉमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो गंभीर रूप से बीमार COVID-19 मामलों का इलाज करने के लिए सबसे पहले आक्षेपिक प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है? वो है केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड गाइस, प्लाज्मा से रिलेटेड अच्छे से पढ़ लें, बायो में क्वेश्चन बन सकते हैं प्लाज्मा से रिलेटेड।
नेक्स्ट है, कौन सा देश हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, और ये बना है इंडिया। फ्रेंड्स वैसे ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का मतलब है कि मलेरिया के लिए यूज़ हो रही है, मतलब हमारे यहाँ मलेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये इतने लार्ज लेवल पर बन रही है। फो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अनक क्रैकटाउ ज्वालामुखी फट गया था, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अपनी बाहरी सलाहकार समूह के लिए चुना है, रघुराम राजन जी को चुना है। फ्रेंड्स याद रखिएगा किसके MD कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आप है फॉर्मेशन और हेडक्वार्टर भी देख लें। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने ICVI लोम्बार्ड को गो डिजिट के साथ में COVID-19 केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा की पेशकश की है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस की बात की है फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट है, कौन RBI के ट्विटर अभियान का चेहरा बना है, जो बैंक ग्राहकों से भुगतान के डिजिटल तरीके अपनाने का आग्रह कर रहा है कि डिजिटली पेमेंट करें, तो वो हैं अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं आज के, क्योंकि पूरे अप्रैल का करंट अफेयर है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, और वही एक मार्क्स आपको मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचाएगा, और वही अगर आपका गलत हो गया तो फ्रेंड्स वो मेंस तक भी पहुंचाने से रोक सकता है। तो गाइस सभी क्वेश्चन पर ध्यान दें। नेक्स्ट है, किस बैंक ने बचत खाते और निश्चित जमा के लिए सरल डिजिटल बैंकिंग के लिए डिजीजेन पोर्टल लॉन्च किया है, डिजीजेन किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है। नेक्स्ट है, किसने G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया, तो धर्मेंद्र प्रधान है जिन्होंने भाग लिया है, WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम है। नेक्स्ट है, रिसेंटली मैरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हर डील लिखी, जो किसकी जीवनी है, मेलेनिया ट्रंप की है। नेक्स्ट है, किससे जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, तो अनामिका रॉय बनी है MD और CEO ऑफ जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, कौन सा TV चैनल भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल बना है, तो दूरदर्शन बना है। फिर से वापस दिन आ गए हैं इनके गाइस, रामायण और महाभारत की वजह से ऐसा हो पाया है। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना स्कीम के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में सबसे ऊपर है, तो इसमें दिया है छत्तीसगढ़ ने। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए नियुक्त किया गया है, और वो है TS त्रिमूर्ति, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स याद रखिएगा। UN के बारे में भी अच्छे से पढ़ लें, इस बार क्वेश्चन कंफर्म आएगा। नेक्स्ट है, किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियमित नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार को किया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली तमस अजान ने रेजिग्नेशन लेटर दिया है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में थे, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, कौन COVID-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का फर्स्ट स्टेट बना है, और ये है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा आशा का संदेश भेजने के लिए मैटरहॉर्न माउंटेन पर प्रोजेक्ट किया गया था, फ्रेंड्स आपने देखा होगा माउंटेन पे तिरंगा बना था अपना, तो ये मैटरहॉर्न माउंटेन कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट में नई कटौती के बाद में न्यू रिवर्स रेपो रेट आई है, और ये है 3.75%। फ्रेंड्स इकोनॉमी जनरली करंट अफेयर से ही कनेक्टेड होती है, तो इसी तरह के क्वेश्चन अच्छे से कर लें तो आपकी इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सा देश महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला फर्स्ट कंट्री है, कि पैंडेमिक के चलते भी वहाँ पर राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं, और ये है साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसको केयर रेटिंग के MD और CA अपॉइंट किया गया है, अजय महाजन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एयरलाइन अपने यात्रियों के लिए ऑन साइट रैपिड COVID-19 परीक्षण करने वाली फर्स्ट एयरलाइन बनी है, और ये है एमिरेट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दूसरी असाधारण G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई है और ये किसके प्रेसिडेंटशिप में हुई है? फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी कि G20 के जितनी हुई है सभी सऊदी अरेबिया ने किया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने $2.8 बिलियन में US आधारित एलिस कॉर्प का अधिग्रहण पूरा किया है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिंडाल्को ने किया है। नेक्स्ट है, HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने रियल एस्टेट खातों में NPA मानदंड को 90 दिन से बढ़ाकर कितने का सुझाव दिया है कि 150 दिन का कर दें, 150 डेज का। नेक्स्ट है, किसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है, वैसे बैंक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, तो वीरूपक्ष मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य COVID-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है? ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, रिसेंटली टूरिज्म मिनिस्ट्री ने किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला स्टार्ट की है? तो देखो अपना देश। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर ये आप टूरिज्म मिनिस्टर का भी देख लें, कौन है टूरिज्म मिनिस्टर, एंड गाइस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, किसने उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सामान बेचने के वाले स्थानीय स्टोर खोजने में मदद करने के लिए नियर स्पॉट लॉन्च किया? गूगल पे ने किया है। फ्रेंड्स, इस बार क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो सकते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, गूगल के साथ सहयोग करने के बाद कोरोना वायरस के नाम पर किस कंपनी ने एक डोमेन नाम बुक किया है? वो क्या है? एप्पल ने। नेक्स्ट है, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक ने 1.01% हिस्सेदारी की है, खरीदी है? तो HDFC बैंक में खरीदी है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति ने पुथुंडो के अवसर पर देश को बधाई दी और ये मेनली कहाँ सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में किया जाता है। फ्रेंड्स, सारे इस तरह के फेस्टिवल याद रखिएगा, मणिपुर में अभी हमने देखा था, कौन सा फेस्टिवल था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रिसेंटली एक डबल लेयर वाला खादी का मास्क लॉन्च किया है, तो KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? VK सक्सेना है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, खादी मास्क डबल लेयर वाला किसने लॉन्च किया है? KVIC ने। ये क्वेश्चन रह गया है, ये भी देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक स्टार्ट किया है और फूड बैंक हुआ है मणिपुर में। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल युक्ति यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री ने किया है। नेक्स्ट है, प्रसार भारती ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जो मेनली पुराने क्लासिक शो दिखाएगा और इसका क्या नाम है? DD रेट्रो। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रिफत जदीर जी की COVID-19 के कारण मृत्यु हो गई और ये किस देश से मेनली थे? ये इराक के थे, आधुनिक वास्तविक कला के पिता माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन करते रहिएगा, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ फोकस करिएगा रिवीजन पर। एंड गाइस, कल टेस्ट है, उसमें भी पार्टिसिपेट करिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल, एंड गाइस गिव योर फीडबैक ऑल्सो।